लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में सिद्धगंगा मठ म्यूजियम की नींव रखी। नींव रखने के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज कई साल के बाद यहां आने का मौका मिला है, लेकिन श्री श्री शिव कुमार स्वामी की कमी महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले संसद में CAA पास हुआ, लेकिन कांग्रेस और उनके साथी संसद के खिलाफ उठ खड़े हुए। जैसी नफरत वो हमसे करते हैं, वैसा ही स्वर देश की संसद के खिलाफ दिख रहे हैं। ये लोग भारत की संसद के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से आए दलित पीड़ित के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था, देश धर्म के आधार पर बटा था। बंटवारे के समय से ही पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोग के साथ अत्याचार शुरू हो गया। समय के साथ पाकिस्तान में हिंदू जैन सिख बौद्ध धर्म के आधार पर अत्याचार बढ़ता गया है। हजारों लोगों को वहां से अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा है। पाकिस्तान ने हिंदुओं पर जुर्म किया, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी किस्त किसानों को दी। पीएम मोदी ने यहां डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए 12,000 करोड़ रुपए की राशि को ट्रांसफर किया, जो कि 6 करोड़ किसानों के खाते में गए। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। साथियों, मैं यहां ऐसे समय में आया हूं जब कर्नाटका की धरती से एक और महान संत, उनका साथ छूट गया। पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी का देहावसान भारत के समाज के लिए एक कमी पैदा कर गया है। हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन के ऐसे स्तंभों का हमारे बीच से जाना एक बड़ा शून्य छोड़ जाता है। हम शारीरिक जीवन की इस गति को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे इन संतों के दिखाए मार्ग को सशक्त जरूर कर सकते हैं। मानवता की सेवा और मां भारती की सेवा में खुद को समर्पित कर सकते हैं। साथियों, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत ने नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश किया है। आपको याद होगा कि बीते दशक की शुरुआत किस तरह से माहौल से हुई थी, लेकिन 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उम्मीदों की आकांक्षाओं की नींव के साथ शुरू हुआ है। कृषि क्रमण अवार्ड के साथ ही कर्नाटक की धरती एक और उपलब्धि की गवाह बनी। आज 8 करोड़ किसान के खाते में पैसा जमा किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इतने कम समय में यह उपलब्धि हासिल करना बहुत बड़ी बात है। एक साथ देश के 6 करोड़ किसान परिवार के खातों में 12,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब 100 पैसे भेजा जाता था तो सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे। जितने रुपए दिल्ली से भेजे जा रहे हैं वो सीधे गरीब के खाते में, किसान के खाते में पहुंच रहे हैं। मैं सभी राज्यों का अभिनंदन करता हूं जो लाभार्थी किसानों के पहचानों का काम प्राथमिकता से कर रही है। नए साल में मैं उम्मीद करता हूं कि जो राज्य पीएम सम्मान किसान योजना से नहीं जुड़े वो भी जरूर जुड़ेंगे। यह योजना इस दल की है। ऐसी सोच ने गरीबों का, किसानों का बहुत नुकसान किया है। दशकों से लटकी सैकड़ों सिंचाई परियोजनाएं हो, फसल बीमा से जुड़े नियमों में बदलाव हो, सॉयल हेल्थ कार्ड हो या फिर यूरिया की 100% नीम कोटिंग, हमने हमेशा किसानों के हितों की प्राथमिकता दी। कई सालों से किसान मांग कर रहे थे कि MSP 1.5 गुना बढ़ाई जाए। यह ऐतिहासिक फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। साथियों, देश में एक वो दौर भी था जब देश में गरीब के लिए 1 रुपया भेजा जाता था तो सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे, बाकी के 85 पैसे बिचौलिए मार जाते थे। आज जितने रुपये दिल्ली से भेजे जा रहे हैं उतने पूरे के पूरे सीधे गरीब के खाते में, किसान के खाते में पहुंच रहे हैं। मैं कर्नाटका सहित
देश भर की उन राज्य सरकारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जो लाभार्थी किसानों की पहचान का काम तेजी से कर रही है। नए वर्ष में मैं उम्मीद करता हूं कि वो राज्य जो पीएम किसान सम्मान योजना से नहीं जुड़े हैं अब इस साल इस योजना से जरूर जुड़ेंगे। ये योजना इस दल की है, हमारी नहीं है। या इस योजना को लागू करेंगे तो उसको लाभ मिलेगा। इस सोच और तौर तरीके ने देश के लोगों का, खास करके गरीबों का, किसानों का बहुत नुकसान किया है। तो आप बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।